वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी करवा चौथ सबको मेरी तरफ से। तो अभी के सुबह के नहीं दोपहर के 11-12 बज रहे हैं और मेरा सारा काम निपट चुका है और मैंने मेहंदी भी रात को लगा ली। इसका व्लॉग मैंने नहीं किया था और बहुत मतलब सामान वामान जब लाए थे हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। पूजा का सारा सामान आ चुका है और सब कुछ मतलब जो जो चाहिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और आज जैसे कि फास्टिंग रहेगा हमारा और क्या, आज मेरा करवा चौथ का दिन कैसे गुजरेगा ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल 12 बजने वाले हैं। तो जैसे बाबू को भी अभी लाना है, बाबू स्कूल जा चुका है, ये अपने ऑफिस चले गए, बाकी जो भी काम था वो निपट गया है। बाकी वही सारे नेल पेंट्स लगाने हैं, नॉर्मल जो भी रहेगा वो मैं अभी ही कर लूँगी, बाकी दिखाऊँगी मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी के टाइम हो रहा था इस टाइम पे 3:30। तो मैंने सोचा ना कि बाबू को क्यों ना पहले सुला लूँ अच्छे से और उसके बाद ही कोई काम में करना शुरू करूँ। और ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे मानते नहीं हैं जल्दी से। तो कल का दिन ऐसा था ना कि करवा चौथ के दिन कभी प्यास मतलब दिन भर प्यास का पता नहीं चलता, पर बाबू कल मुझे इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया, क्या बोलूँ, बहुत मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने उसे सुला दिया वहाँ पे और बार बार मतलब ऐसा है ना कि कोई ज़िद मतलब हम बार बार पूरी नहीं कर सकते बच्चों का, तो ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ती जाती है बच्चों की, है ना। तो इसीलिए गन्नू को मैंने उस टाइम पे सुला दिया था और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी मटर पनीर जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया था कढ़ाई में और उसके बाद गरम मसाले जितने भी रहते हैं उसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, तेज पत्ता डाला था और प्याज डाल दिया, उसको थोड़ा सा ब्राउन किया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर और लहसुन अदरक का मैंने यहाँ पे पेस्ट ऐड किया और उसके बाद थोड़ी हरी मिर्च डाल दी उसमें और उसको अच्छे से मैंने मिलाया और जितने मसाले हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और पनीर मसाला, ये सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और इसको कुछ देर तक अच्छे से मैं होने दूँगी। तो इसको अच्छे से पकने के लिए मैं इसको ढक ढक के पका रही थी जिससे मसाला है ना बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मसाला अच्छे से इसको ढक ढक के पकाया जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होता। जब तक ऐसा कहा जाता है ना कि जितना मसाला आप फ्राई करेंगे या भुनेंगे ना उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत देर तक उसको फ्राई किया, उसके बाद जितने मटर थे उसको मैंने डाला और उसको थोड़ी देर तक मैंने उसको भी अच्छे से फ्राई किया और उसको भी थोड़ा ढक के मैंने पका लिया। वैसे तो मैंने इसको बॉईल करके निकाल लिया था चने को, सॉरी मटर को, तो इसको भी अच्छे से पका लिया। ये कुछ देर तक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ये पूरे पनीर और कुछ यहाँ पे मैंने क्या है मटर मैंने कुछ यहाँ पे रखे हुए थे साइड में और क्योंकि मुझे चावल में भी ऐड करने थे, थोड़ा पुलाव बनाना था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर साइड कर रखा था। और यहाँ पर पनीर मेरा ये मसाले ये पूरे भून चुके हैं, अब इसमें मैं अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी दे दूंगी और उसके बाद इसको ढक करके थोड़ा देर पका लूंगी और जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसको रखूंगी। तो यहाँ पे ये तो मेरा हो गया और ये वाला यहाँ पे मेरा हो गया एंड अब मैं जाऊंगी ये करने के लिए पुलाव बनाने के लिए। तो अब उसके लिए मैं फटाफट सोची कि चावल ले आऊँ और चावल ला करके तब तक धीरे धीरे जब तक ये हो रहा है यहाँ पे तब तक मैं अपनी उसकी दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लूँ। और ये तब तक आप देख सकते हैं ये हो चुका है, इसको अब मैं ढक दूंगी और अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी मटर पुलाव, वो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ अब करना है नहीं। तो बीच बीच में मैं उसे भी देख ले रही हूँ और यहाँ पे कुकर मैंने चढ़ा रखा है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी घी डालूँगी और ये गरम मसाला, सॉरी ये थोड़ा बड़ी इलायची और दालचीनी, इसी रहता ना
बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। कुछ जीरा डाल दिया थोड़ा सा और उसको अच्छे से वो कर लिया। एंड उसके बाद जो मैंने हरा मटर रखा था उसको मैंने उसमें डाल दिया और उसको आप ऐसे ही मैंने उसको चला लिया। और उसके बाद चावल मैंने धो लिए थे यहाँ पे, बासमती चावल, इसको धो लिए। एंड उसको धो करके मैंने उसके बाद डाल दिया एंड उसमें पानी डाल करके थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। ये हो गया मटर पुलाव रेडी। तो यहाँ पे मैं पानी ये नाप करके डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दो और इसको यहाँ पे ढक दो। तो ये भी 3 सीटी होने तक ये रेडी हो जाएगी। तब तक मेरी यहाँ पे सब्जी रेडी हो चुकी थी तो मैंने उसको बंद कर दिया और अब मैं उसको खाली करने जा रही थी बिकॉज ऑफ दूसरी चीज़ें भी थी बनानी। तो मैंने उसको फटाफट खाली कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई क्लीन कर ली है, अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो गाइस कुछ खाना जैसे कि आप देख ही चुके हो, खाना कुछ बन चुका है और कुछ बाकी है। पूरी वूरी बनना बाकी है और पुलाव जैसे कि मैंने ये कर दिया है, अभी जस्ट डाला है। और दाल मैं बनाई थी मेन गन्नू की वजह से बनाई दाल, बिकॉज ऑफ वो खाता है ना, तो इसलिए मैं सोची तड़का दाल बना देती हूँ उसके लिए। और चावल के साथ कम से कम उसका हो जाएगा। और खीर पूरी सब्जी और पुलाव ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। और अब बज रहे हैं शाम के 5 और सारी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और बाकी बस पूजा की थाल बस सजानी है और वही पूजा करना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने तेल चला लिया था और कुछ ना ये लौकी मैंने कट कर लिए थे, उसी के मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही थी। तो ये हो जाने के बाद अब मुझे इसके बाद रह गया था बस पूजा की थाल सजानी थी और खुद रेडी होना रह गया था। और हाँ, ऐसा था ना यहाँ पे आज सब चारों हम जितनी औरतें थी यहाँ पे रहती हैं सब हम साथ में मिलके करने वाले थे। तो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा ही और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे हैं। यहाँ पे ऐसा था ना कि बहुत हद तक मेरा खाना बन चुका था, ये लास्ट था जो बनाना था तलने वाला, और इसकी बस पूरियाँ रह गई थी। तो वो मैं बाद में ही बनाने वाली थी, पहले नहीं बनाऊँगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना इस वजह से। और ये सारी चीज़ें गरम गरम ही ठीक लगती है, ये सारी चीज़ तो ठीक है बना दी मैं पहले उस 1.5 घंटा पहले ही समझ लो बनाई, ये सब बस पूरी बनाना रह गया था। और ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया करवा चौथ का। आप लोग बताना कमेंट में कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी आता है ना मेक श्योर करे कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए और कमेंट लाइक तो ज़रूर ही करे, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो गाइस यहाँ पे मेरा पूरा खाना बन चुका है और अब
अब करनी थी। अब मुझे ना नहाना था, मैंने सोचा कि शाम को भी एक बार नहा लूँ। तो खाना सब बन चुका है पूरी को छोड़ करके, और अब मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब जाऊँगी थोड़ा पूजा की थाली में सजा लूँ और पहले तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की थाली रेडी, जो कि हम लोग को छत पे करने जाना है पूजा। तो यहाँ पे मैं अपनी थाल दोनों सजा ले रही हूँ और इस थाल में तो सारी जो भी फल वल जो मैं चढ़ाऊँगी वो सारे इसमें ही रखूँगी, जिसमें बड़े वाले में, और जो मैं करवा चौथ की पूजा करूँगी वो छोटे वाले थाल से ही करूँगी। और तो ये सब मैं सबसे पहले रेडी कर ले रही हूँ, अपना जो भी फल रख लिया है मैंने, फूल रख लिया है, और जितने भी ये चढ़ाने वाले श्रृंगार हैं सारे वो रख लिए हैं, हल्दी कुमकुम रख लिया है, और ये चांदनी रख लिया है, दिया रख लिया है, मतलब हर एक चीज़ें इसमें मैंने रख ली है। करवा करवा में मुझे पानी भी डालना था, और यहाँ पे एक छोटा सा वो भी रख लिया है, छोटा लोटा भी रख लिया है पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने तैयारी कर ली थी वो करने की। तो यहाँ पे ये सारा हो चुका है कंप्लीट, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें।